हम ये 3 घंटे हम लोगों ने स्लॉट वाइज राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कन्वर्ट किए हैं। फर्स्ट राउंड में कुछ तकरीरें रहेंगी, डांस रहेगा, सिंगिंग रहेगा और क्विज कॉम्पिटिशन, उसके बाद ऑडियंस प्राइजेस। तीनों की सीक्वेंस सेम रहेगी। एज वाइज ये ग्रुप कैटेगराइज किए गए हैं। पहला जो ग्रुप रहेगा जो 6 से 10 साल, दूसरा 10 से 13 और 13 से 16। असांजा जो जजिस आहिनि, जेको असांजे परफॉर्मर्स, जेको असांजा कंटेस्टेंट आहिनि, उन्हनि खे जो जज करण वारा आहिनि, हिकु दफ़ो उन्हनि जी ताड़ियुनि सां स्वागत थियणु खपे। मां स्टार्टिंग कंदुमि श्री राम भाई भीमाणी साहिबु, असांजा प्रेसिडेंट थरी लोहाणा समाज, रवि मुल्ला। ताड़ियूं नथी अचनि, ॿुधण में ई नथो अचे। कीपा दास शर्मा महाराज साहिबु असांजा गॾु आहिनि। उन खां पोइ श्री रेवाचंद केवलानी, हरीश लालवानी, हेमंत साधवानी। ताड़ियूं बिल्कुलु कान आहिनि, हुनखे प्राइज न मिलंदो जंहिंजी ताड़ियूं न हूंदियूं। ठीकु आहे, सो सभ खां पहिरीं मां स्टार्टिंग कंदुसि त असां संत श्री नेणूराम जे हिन मेले जे मौक़े ते असां स्टार्ट कयो प्रोग्राम। तव्हां सभिनि जो सहकार असांखे मिलियो। असां ही प्रोग्राम स्टार्ट कंदासीं। उन खां पहिरीं जेको हिन प्रोग्राम जा ऑर्गेनाइज़र आहिनि, उन्हनि खे मां हिकु दफ़ो स्टेज ते घुराइणु चाहींदुसि। जंहिंजी महिनत, जंहिंजो इहो सॼो दिमाग़, जंहिं हिननि प्रोग्राम खे असांखे तव्हांजे साम्हूं पेश कयो। सभ खां पहिरीं मां इनवाइट करणु चाहींदुसि राजा अंदानी खे, जेको स्टेज ते अचनि, जेको ख़ासि ऑर्गेनाइज़र आहे असांजी टीम जा। सूरज वांकवानी, जंहिं पंहिंजे बिज़ी शेड्यूल मां असां लाइ टाइम ॾिनो। सूरज प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। उन खां पोइ सी एस संजय मंझियानी, ऐं असांजी टीम लाइ हिकु दफ़ो ताड़ियूं थी वञनि। असां कोशिशि कंदासीं तव्हांखे वधि में वधि एंटरटेन कयूं। को ग़लती थी आहे असां खां त प्लीज़ नंढा सम्झी असांखे माफ़ु कंदा। उन खां सवाइ असांजा जेको यंग सपोर्टर, विनोद मुरला, लाल केवलानी, दौलत, मुकेश, जेको सभु आहिनि, जेको हिन मेलो खे तव्हांखे सक्सेसफुल बणाइण जी कोशिशि कई, हुननि सभिनि लाइ हिकु दफ़ो ताड़ियूं थी वञनि। तव्हांजो वधीक टाइम वेस्ट न कंदो, असां पंहिंजे प्रोग्राम जी शुरूआति कंदासीं। हर सुठे कम जी शुरूआति चवंदा आहिनि त हिंदू धर्म में पाण गायत्री मंत्र या त श्री गणेश भॻवान जे नाले सां कंदा आहियूं। त उन्हनि प्रथा खे अॻियां वधाईंदे असां असांजी पहिरीं परफॉर्मेंस जेको आहे उहो गायत्री मंत्र खां स्टार्ट कंदासीं। जंहिंखे परफॉर्म करण लाइ अची रही आहे कोमल लाल केवलानी, जंहिंजी उमिरि सिर्फ़ 5 साल आहे, जेको गायत्री मंत्र तव्हांखे वधाईंदी, ऐं हुन खां शुरूआति कंदासीं प्रोग्राम जी। ताड़ियूं थी वञनि हिकु दफ़ो कोमल लाइ। मुंहिंजो नालो कोमल शिव शंकर केवलानी आहे, ऐं सीनियर के जी में पढ़ंदी आहियां। अॼु तव्हांखे गायत्री मंत्र ऐं प्रार्थना ॿुधाईंदीसीं। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। विष्णुं हाणे प्रार्थना कंदासीं। हे भॻवान, असांखे सदबुद्धि ॾे, शक्ति ॾे, निरुक्ता ॾे, त पंहिंजो कर्तव्य पालूं ऐं सुखी रहूं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। हाणे तव्हांखे ॿ मंत्र ॿुधाईंदासीं। हिकिड़ो सरस्वती माता जो, ॿियो संत नेणूराम जो। सभिनी खां पहिरीं सरस्वती माता जो। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपे संसदा, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपे संसदा, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। विश्राम हाणे संत नेणूराम जो मंत्र पढ़ंदासीं। राम नाम में लीन है देखत समय राम, आके पद वंदन करूं जय जय नैनो राम। बोलो भाई जय जय नैनो राम। संत नैनो राम साहिब की जय। जनरेशन 5 साल जी उमिरि ऐं कॉन्फिडेंस, उन हिसाब सां ताड़नि में ॾाढी कंजूसी थी वई आहे। 5 साल जी उमिरि में हेतिरो कॉन्फिडेंस सां ॻाल्हाइणु वॾी ॻाल्हि आहे। शायदि 50 साल हुननि खे मां हिते घुराईंदुसि त शायदि हिकु वर्ड्स पर न चई सघंदा माइक जे साम्हूं। 5 सालनि जी उमिरि ऐं हेतिरो सुपर।
मेरा नाम सानिया है, मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाती पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, मस्तक पर तिलक सोहे मोस किस वारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाती पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देख, कोढ़ियन को काया, वाजिया को पुत्र देख, निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जाती पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जाती पार्वती पिता महादेवा। दीदन की लाल रखो शंभु पुत्र वारी, कामना को पूरा करो जाओ बलहारी। श्री संत नैनो राम साहेब की जय। थैंक यू। ताड़ी दी ना ताड़न में बिल्कुल कंजूसी ना हो जान कपे। एक गाल नोट कई था पहरी पंच साल जी छोकरी आई जे परफॉर्म कयो उन खा पो 10 साल कॉन्फिडेंस लेवल दिसो। एक दफो न भी कया माइक ते गालन का पहरी असा पंजी अगली परफॉर्मेंस असा टाइम जी दाडी शॉर्टेज है ता ताजो त कुछ एंटरटेनमेंट थी जे डांस लाए सयोना सूरज वांकवानी जेको जंजी उमर खाली 4 साल है उमर दिसो 4 साल ताजे सामो डांस पेश कंदी। मैं कृष्णा हूं सॉन्ग आवनियो सो मुझे उम्मीद है ता सबन के पसंद इनो एक दफा जोरदार ताड़ियों थी ना निडी जिलाए न्यारा कन्हैया गोकुल में सब का प्यारा कन्हैया
एकदम वही ड्रेसिंग ला ताड़ी दीन और केतरी मेहनत कहीं नहीं छोकरी ड्रेसिंग ला चुपो ताड़ी हूँ बिल्कुल कंजूसी दिसो और ताड़न में वरी कंजूसी दैट वाज ऑर्डर्स जबरदस्त क्या वो कौन बोलता है कि हमारे थरी लोहाना समाज में टैलेंट नहीं है कमी है टैलेंट की चार साल की बंदी इतना सॉलिड परफॉर्मेंस सिर्फ उनको कॉन्फिडेंस देने की लेट है सुनील भाई केवल सिंधी मेजोरिटी ट्राई करना सिंधी थोड़ो घणो समझी वेंदा प्रोग्राम के कंटिन्यू रखने असांजी बी डांस जी परफॉर्मेंस आहे इन खां पोइ आहे चांदनी लजपत वसनानी जेको तव्हांखे पंहिंजो डांस ॾेखारींदी ओ काना हुन जो सॉन्ग आहे जंहिं ते परफॉर्म कंदी ॾाढो ख़ूबसूरत हुनजो ड्रेसिंग आहे ज़ोरदार उहो ताड़ियूं थींदियूं आहिनि नंढलनि जे लाइ ताड़ी होती खूबसूरत डांस का ताड़ी गाने मधुर सुना ताड़ियूं ॾाढियूं कंजूसी आहे ताड़ियुनि में पैसा नथा ख़र्चनि ज़ोरदार ताड़ियूं थी हिननि मुंहिंजी महिनत जे लाइ हिननि कोशिशि कई हूंदी जेको तव्हांखे एंटरटेन करण लाइ पंहिंजी परफॉर्मेंस लाइ टाइम ॾिनो हूंदो ॾाढो ज़ोरदार ख़ूब सुपर ताड़ियूं वरी या ताड़ियूं नथियूं ॿुधण अचनि एतिरो चवण खां पोइ त गुरु जी इंपॉर्टेंस छा आहे अगरि गुरु जी इंपॉर्टेंस आहे तॾहिं त असीं हीअ मेला मल्हाए रहिया आहियूं सही आहे न कुझु कंहिंखे आहे ई न यार गुरु जी इंपॉर्टेंस आहे तॾहिं त पाण सभु गॾु थिया आहियूं न संत श्री नेणूराम जे मेले जे मौक़े ते राइट संदीप लाइ हिकु दफ़ो ताड़ी थी वञनि संदीप अॻियां असांखे गुरु जे टॉपिक ते असांखे पंहिंजी तकरीर पेश कंदो और सभु प्रियजन मेरी ओर से सबको नमस्कार आज हम संत की वर्षी बना रहे हैं इसमें मुझे बोलने का अवसर मिला है मैं अपनी बुद्धि अनुसार कुछ बोलूँगा प्रियजन विश्व में ना जाने कितने मनुष्य है और चले गए पर कुछ ऐसे ही महापुरुष भी आए जिनका जीवन का लक्ष्य जगत कल्याण होता है वो अपनी कठिन तपस्या के बल से भगवान को पाकर तृप्त हो जाते हैं मतलब उनको किसी भी प्रकार की दुनियावी भूख नहीं सताती तभी तो हम सबका मस्तक उनके आगे झुकता है
इस विषय में मेरे कुछ और मित्र भी बोलेंगे जो आज भी बालिक अवस्था में भगवान के दर्शन पाया। उनमें नचिकेता, भगत प्रहलाद और धुरु के नाम आते हैं, जो आज भी धुरु तारा बन के चमक रहा है। एक बार वो अपने पिता के गोद में बैठा था, इतने में उनकी सौतेली माँ आए और धुरु को गोद से हटा कर बोले, आप राजा के गोद में तभी बैठने के योग्य बनोगे जब मेरे कोख से जन्म लोगे। धुरु के आँख में आंसू आ गए और धुरु आकर अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। इस छोटी घटना के कारण धुरु तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया। आखिर में संत की जयकार से अपनी वाणी को विराम लूंगा। बोलो संत नरुणाम जी जय। थैंक यू संदीप, ये तो जोश कैं सिखा रहे हो तांगे पप्पा त एक दफो पाणा इन प्रोग्राम जी एंड में अहमदास जी बमान की स्पीच बुधना सी जेको उतरे ही जोश से असा के संत के बारे में बात कर बुधाइंदा एक दफो ताड़ियो अन याद दे रहेगा सी तो लास्ट में उनन के भी तकरीर करनी अनंडी। आऊं सेवन स्टैंडर्ड में पढ़ा दो। आज जो मुझे टॉपिक है बेटी। बेटी का जीवन माता पिता के जीवन में नया उमंग भर देती है। बेटियां पूरे परिवार को भाग्यशाली होने का एहसास कराती हैं। आज की हमारी लड़ाई, जी हाँ हमारी लड़ाई, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, क्योंकि सब कहते हैं हमारा भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है, पर क्या लोगों की सोच ने तरक्की की है? जी नहीं। आज भी ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अपनी बेटी को पढ़ाने के खिलाफ हैं। तो मैं उन सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि फिर वो अपनी बीबी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब उनके पास? औरत की लंबी जुबान पर तो सब शिकायत करते हैं, पर क्या कोई गूंगी लड़की से शादी करने को तैयार है? है कोई जवाब उनके पास? अजीब रिवाज है हमारे देश का, नीयत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों का निकालते हैं। आज भी ऐसे इतने सारे लोग हैं जो 21 साल तक टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन नहीं खरीदते हैं। पता है आपको क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी का इंतजार करते हैं। और हम कहते हैं हमारा भारत बहुत आगे बढ़ गया, बहुत तरक्की कर ली है। थैंक यू। तो जिंदगी जी हकीकत अने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के खणी आयो एक दफा असा सामू पेश कई अंकित लाइक दो वरी ताड़ी दीन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए जो हकीकत है डे टू डे लाइफ जी। सुपर, थैंक यू। नरेश मुखी जो तक जैसी उम्र 10 साल आको असाजे लाइ माँ के बारे में पा बुधाइंदी माँ जो इंपॉर्टेंस है ना असाजी लाइफ में उनकी जरूरत अने उन इंपॉर्टेंस खास कर ताड़ी दीन एक दफा लीजा ला। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम लीजा है। मेरे प्यारे भाई बहनों और बड़ी लोग को मेरी तरफ से प्रणाम। आज का दिन खुशी का दिन है। मेरा आज का टॉपिक है मेरी माँ। बस दो लाइन माँ के बारे में बोलूँगी, ध्यान से सुनना। माता पिता दोनों मिलकर बच्चों का भविष्य सवारते हैं। माँ हमारी जन्मदाता है, वह हमारी पहली गुरु भी है। माँ के बिना जीवन अधूरा है। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण इंसान हमारी माँ होती है। वह हमेशा हमारे साथ रहती है और हर पल हमारा ध्यान रखती है। हर एक जीवन में माँ एक अनमोल इंसान के रूप में होती है, जिसके बारे में शब्द से बयान नहीं किया जा सकता। जैसे कि कहा जाता है, भगवान हर किसी के साथ नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ की दुआ वक्त तो क्या नसीब बदल लेती है। अपनी माँ और बीवी दोनों की इज्जत करो, क्योंकि एक तुम्हें इस दुनिया में लाई और दूसरी सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आई। माँ बाप की तारीफ कैसे करूँ, मेरे शब्द में इतना जोर नहीं है। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लिया, अपने माँ बाप जैसा कोई नहीं मिला। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, जय हिंद जय भारत।
ताड़ू थी ना एक लीजा ला एक दफा, बहुत सही बोला कि भगवान सब जगह नहीं आ सकते इसलिए माँ को बनाया। सुपर ताड़ू थी ना एक दफा जोर सा लीजा ला ढो सुठो ढे सुठे टॉपिक थे असा के बुदा दीपिका लाल केवलानी के जो तक एक सुठो भजन बुधाइंदी अचो तो प्यारो एक रिक्वेस्ट आ भजन से गुड ताड़ू थी वन तो तक मजो इंद असो परफॉर्मर आ जैसी खाली उम्र 10 साल है उनके कॉन्फिडेंस मिलो ताड़ू थी वन एक दफा जोर ला दीपिका ला। हेलो आं दीपिका केवलानी अज अवां के एकड़ो भजन बुधाइंदी अचो तो प्यारा घुमी दिसो ही आशा के नूराम कल जुग जे हिन कठिन समय में ही पनकड़ो धाम जय जय नैनो राम चौ साईं नैनो राम असली नालो पूरण भारती आश्रम जो सड़जे थो कसरत शाला आखाड़ो पंड खन तरफ में गड़जे थो संतन समाधियों ब्यों भी हिन में संतन समाधियों ब्यों भी हिन में तिन जो भी एतराम कल जुग जे हिन कठिन समय में ही पनकड़ो धाम जय जय नैनो राम चौ साईं नैनो राम राम दरबार भंडारो हियो नैनो राम हलायो ते इन भाग जन के खातो संत खरायो ते मुफ्त पियाओ गुगदा मल्ले मुफ्त पियाओ गुगदा मल्ले रखियो नैनो राम कल जुग जे हिन कठिन समय में ही पनकड़ो धाम जय जय राम चौ साईं नैनो राम खटी फोटो नैनो राम जो चाखड़ियो ही हिन पातियो ते खटी फोटो नैनो राम जो चाखड़ियो ही हिन पातियो ते पुठाओ गाड़ा जिंदगी सारी रुखियो रोटियो खादियो ते संत जपियो ते रातो डीहा संत जपियो ते रातो डीहा सावरी योगन शाम कल जुग जे हिन कठिन समय में ही पनकड़ो धाम जय जय नैनो राम चौ साईं नैनो राम थैंक यू। भजन के माध्यम से पा के पेश कई दीपिका के दफो ताड़ू थी दीपिका जो है ढो सुठो जबरदस्त उनखां पोइ असांजी अगली परफॉर्मेंस आहे जेको तकरीर जेको असांजी स्पीच आहे उनजो टॉपिक आहे नवरात्रि सेलिब्रेशन। नवरात्रि अची रही आहे असां गुजरात में रहंदड़ माण्हुनि खे नवरात्रि खां वधीक इंपॉर्टेंस कंहिंखे ख़बर हूंदी। सो नवरात्रि जे टॉपिक ते अमृत भुटानी जेको तव्हांखे पंहिंजी तकरीर पेश कंदो नवरात्रि सेलिब्रेशन जे बेस ते जंहिंजी उमिरि सिर्फ़ 10 साल जी आहे ताड़ियूं थी वञनि हिकु दफ़ो अमृत जे लाइ। चौथी कक्षा में पढ़ा अज मुझे टॉपिक है अलग अलग राज्यों में नवरात्रि। दर्शनों में नवरात्रि के दौरान होने वाली दुर्गा पूजा को अलग अलग देशों में विभिन्न तरीकों से मनाई जाती है। आज मैं आपको बता रहा हूँ गुजरात में कैसे मनाई जाती है नवरात्रि। गुजरात में नवरात्रि नवरात्रि के पहले दिन एक मिट्टी का मटका स्थापित किया जाता है जिसके अंदर सोपारी नारियल और एक चांदी का सिक्का रखा जाता है और एक उसके अंदर दिया जलाया जाता है और लोग नव और फिर माँ दुर्गा की नौ रूपों की पूजा करने के लिए लोग रात को आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और नवरात्रि में लोग व्रत भी रखते हैं और सबसे ज़्यादा नवरात्रि में गरबा का आयोजन किया जाता है। दसवें दिन रावण वध कर होता है। रावण के पुतले को जलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि राम जी ने रावण का वध करके युद्ध में विजय प्राप्त की थी और इसीलिए यह त्यौहार हर वर्ष मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई का विजय प्रतीक है। थैंक यू अमृत ताड़ू थी वञनि अमृत लाइ जेको नवरात्रि जे लाइ ॿुधायो। उनखां पोइ हिन तकरीरनि जे सिलसिले खां पोइ असां हिकु ग्रुप डांस ॾिसंदासीं जेको ग्रुप डांस उम्मीद आहे त तव्हांखे मज़ो ईंदो। इन ग्रुप डांस खे पेश करण लाइ मां इनवाइट करणु चाहींदुसि जिया अंदानी ऐं इशिका मुकेश लालवानी खे जेको तव्हांखे डांस एक धंता जे सॉन्ग ते ग्रुप डांस तव्हांखे ॿुधाई ॾेखारींदा। 10 साल जी हिननि जी उमिरि आहे ॿिन्हिनि जी। मुंहिंजो नालो जिया अंदानी आहे। Thank you.
ग्रेट ताड़ियों थी ना इनकी सुठी परफॉर्मेंस ला पुठा का आवाज पे वंस मोर बट हम टाइम का असा डाड़े शॉर्टेज पे हलो वंस मोर ना थींदो पर तानी प्रिपरेशन ला घणो दी प्रैक्टिस थी तानी हिकड़े बारी आवाज ना पे जे ता सब उदन जा हेडा सामो हिकड़ा बारी जी तो कोऑर्डिनेशन ताड़ू थी ना निकल वो सुठी ग्रुप डांस ला असा टाइम रहे तो वरी रिपीट कराना सी डाटो सुठी का पूरा गदी सुठी तैयारी कयो वनन ला एतरो टाइम दिनो डेडिकेशन रखे हुआ असा इन प्रोग्राम के सफल बनान ला उनका पो असा जो प्रोग्राम के आगे वदेंदे क्विज कॉम्पिटिशन जेको असा जा बारन जे एज ग्रुप 6 10 साल के बीच में आ उनन जे बग ग्रुप में असा उनन के कन्वर्ट कया बिन ग्रुप में एक एक ग्रुप में 6 जाना हुंदा सबन के एक एक क्वेश्चन मिल लो 6 क्वेश्चन जेको ताके पेपर मिले हैं उन्हें अकॉर्डिंग ही हुंदा बग क्वेश्चन गुगली क्वेश्चन है थोड़ा सरप्राइज क्वेश्चन है जेको शायद ता जे इन बुक्स या सिलेबस जा जेको पेपर मिले उन में ना हुंदो जेको ताई एज आ उन्हें अकॉर्डिंग ही रिलेटेड हुंदा जेको बग क्वेश्चन ही ना 6 क्वेश्चन जे 6 मेंबर एंड एक क्वेश्चन सबन का पूछो विंदो जेको लास्ट या बग क्वेश्चन है वो ग्रुप डिसाइड करना द केयर ग्रुप विन थिंदो तो ताके डिसाइड करा तो लास्ट या जेको बग क्वेश्चन है वो पार में डिस्कस करे ता उन जो आंसर दे सको ता एक दफे जो आंसर दिनो वो ताजो फाइनल मारे वो गलत है या सही है कैंब्रिक मेंबर आंसर दिनो वो फाइनल गणे वो ठीक है सो होंगे जनरल नॉलेज बेस्ड होंगे लास्ट वाला क्वेश्चन आप डिस्कस करके दे सकते हो जो भी ग्रुप में सबसे ज्यादा सही आंसर होंगे वो विनर होगा और जो विनर ग्रुप है उसके लिए स्पेशल अवार्ड स्पेशल प्राइज ठीक है स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे बैकएंड में राजेश राजा भाई हैं जो नोट करेंगे हमारी टीम का स्कोर किस तरीके से रहेगा सो पहला ग्रुप है ग्रुप 1 हम पहले हमारे कंटेस्टेंट है उनसे अपना नाम पूछेंगे और हमारा क्वेश्चन एंजल अंदानी एंजल अंदानी उमर 7 इयर्स एंजल अंदानी उनका पहला क्वेश्चन मैं पहले इंग्लिश फिर हिंदी सिंधी तीनों लैंग्वेज में हम बात करेंगे हु रोट रामायण रामायण किसने लिखा वाल्मीकि वाल्मीकि सराइड आंसर वो कंटेस्टेंट असांजो इंट्रोडक्शन हु इज द ब्रदर ऑफ लॉर्ड गणेश गणेश भगवान के भाई कौन थे कार्तिका क्वेश्चन का पहली आंसर अच्छी हो सुपर क्वेश्चन नंबर 3 साइटियो कंटेस्टेंट क्या नाम है किताब लोहाना किसके बेटे हो सूरज क्वेश्चन नंबर 3 हु इज द मदर ऑफ लॉर्ड कृष्णा कृष्ण भगवान की मदर का नाम मां का नाम क्या था देवकी सुपर क्वेश्चन नंबर 2 हु इज द फादर ऑफ गणेश गणेश के फादर कौन थे गणेश भगवान के पी के नालो छा हो शिव भगवान गुड 4 क्वेश्चन 4 राइट आंसर सस्पेंस असान बिन का क्वेश्चन कोई पूछना जी हां 4 होता का चालू कयो ना भैया द क्वेश्चन इज विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कृष्णा यूज टू प्ले कृष्णा भगवान कौन सा इंस्ट्रूमेंट चलाते थे या बजाते थे कृष्ण भगवान कौन सी चीज ज्यादा बजाते थे उनके साथ रहती थी इतनी सारी हिंट्स कृष्ण भगवान के पास अपने साथ कौन सी ऐसी चीज होती थी जो वो पूरे दिन बजाते रहते थे इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता सुपर शिवा मंजानी व्हाट इज द फादर्स नेम ऑफ सन श्री नैनराम के फादर का मेघुराम हो राइट आंसर सुपर जिया नंदानी जिया के लिए क्वेश्चन है हु वाज द गुरु ऑफ सन श्री नैनराम के गुरुजी का नाम क्या था बहुत इजी क्वेश्चन है कोई भी ऑडियंस से कोई आंसर नहीं आना चाहिए वरना वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा उनको नेक्स्ट चांस नहीं मिलेगा अगर बीच में कोई आंसर आया तो
वापस क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. Who was the guru of Sanchin Nehram? Sanchin Nehram के गुरु कौन थे, उनका नाम क्या था? चलो एक और चीज, एक काम करते हैं, हम ये क्वेश्चन को फॉरवर्ड करते हैं, एक और चांस देते हैं आगे बढ़ने के लिए. इनके बाद में क्वेश्चन पूछेंगे, उनके बाद के जो कंटेस्टेंट है उनसे यही क्वेश्चन रिपीट करेंगे. क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, Who was the guru of Sanchin Nehram? Sanchin Nehram के गुरु, गुरु कनीराम. सॉरी, शिवम लोहाना. क्वेश्चन नंबर एक, अभी तक टाई चल रहा है. चार ग्रुप ए ने जो चार क्वेश्चन हुए, चार सही आंसर दिए हैं. ग्रुप बी के तीन क्वेश्चन हुए, तीनों ने तीन सही क्वेश्चन दिए हैं. वेयर इज द प्लेस ऑफ बर्थ, सॉरी वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ सनशीन नहराम? सनशीन नहराम की जहां पे जन्म हुआ वो कौन सी जगह है? सॉरी, स्लम कोर्ट. सुपर, ताली हो जाए एक बार. अब स्कोर चार चार की टाई पे है, चार चार की टाई पे स्कोर है. उसके बाद हम अभी ग्रुप वन की तरफ मूव करेंगे, जिनका अगला क्वेश्चन है. अपना इंट्रोडक्शन देंगे दीपिका केवलानी. दीपिका केवलानी, दीपिका के लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनिशियल नेम ऑफ सनशीन नहराम आश्रम लोकेटेड इन इस्लामपुर? सनशीन नहराम का जो इस्लामपुर में आश्रम है उनका पुराना नाम या इनिशियल जो स्टार्ट हुआ था आश्रम, उस टाइम का नाम क्या था वो आश्रम का? पूरन भारती आश्रम इस्लामपुर. फाइव फाइव टाई. लक्ष्मीरजानी. लक्ष्य उम्र बताए अपनी, 12 साल की उम्र है लक्ष की. लक्ष के लिए क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ क्लोथ सनशीन नहराम यूज्ड टू वेयर? वो कौन से कपड़े पहनते थे सनशीन नहराम? लंगोट. सही जवाब. एक जोरदार तालियां हो जाए. इसके बाद है सानिया का नंबर. सानिया आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इन इंग्लिश फॉर कारो मिर्च? जो जो हम काली मिर्ची यूज करते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बहुत कॉमन ये एक क्वेश्चन है. काला मिर्च यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में कारो मिर्च. उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम आउट हो जाएगा. अगर पास ऑन करना चाहे तो एक पास ऑन, क्योंकि एज ग्रुप काफी कम है, तो अगर काम करते हैं क्वेश्चन हम पास ऑन करते हैं तो उसका जवाब देंगे. ब्लैक पेपर से राइट आंसर. तो अभी तक टाई चल रहा है. लास्ट क्वेश्चन सानिया मेघानी को लास्ट क्वेश्चन रहेगा. उसके बाद दो गुगली क्वेश्चन रहेंगे आपके जनरल नॉलेज के बेस पे. सिंधी लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन व्हाट? सिंधी लैंग्वेज जो वो केड़ी शेत या केड़े उनके ठेला केड़ी बोली या केड़े उनके बेस छा है सिंधी बोली जो बेस केड़ो आप पांडे हिंदी संस्कृत में लिखता है तो उन्हें वो सिंधी बोली जो बेस केड़ो केड़े बेस ना ठेला संस्कृत एक्चुअली जो हिंदी जो वो संस्कृत में है. कोई राइट आंसर पब्लिक में जो ऑडियंस है वो बोलना चाहेंगे? आओ अरेबिक इज अ राइट आंसर. सिंधी बोली जो इजाद थे सिंधी बोली अरेबिक में थाई हुई. आना स्कोर था ग्रुप वन छह, ग्रुप बी पंज. लास्ट का क्वेश्चन जब डिसाइड कर तो ग्रुप में विनर के ना ये बड़ा क्वेश्चन था सिलेबस में ना होता था जनरल नॉलेज बेस होता था एक बेसा डिस्कस कर सको था दीपिका तो हम तीन जो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया ग्रुप पार में डिस्कस कर रहे थे उनका आप आंसर दीजिए फाइनल. हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? टाइम आउट, टाइम ज्यादा हो रहा है. लास्ट फाइनल 7 सेकंड. 33. पार्डन, सॉरी 28. Do you think it's the right answer? Right answer? Yes, 29. Because in June, 2nd of June 2014, Telangana was introduced as a state. पहले 28 स्टेट थे, उसके बाद तेलंगाना ऐड हुआ.
जो 2 जून 2014 को हुआ उसके साथ 29 वाज द करेक्ट आंसर. सॉरी एक और चांस मिस हुआ आपसे. नाउ सेकंड क्वेश्चन टू ग्रुप वन. स्कोर हुआ है 6-5. एक एक क्वेश्चन ऑलरेडी चला गया है. बाकी इनके पास 2 क्वेश्चन है, आपके पास एक ही क्वेश्चन रहेगा ग्रुप बी. नाउ हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इंडिया के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मेक इट फास्ट. डॉक्टर बी आर अंबेडकर. डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद. तो कोई ऑडियंस में से गेस, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. 15 अगस्त 1947 आफ्टर द पार्टिसिपेशन जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे. ऑडियंस के लिए तालियां हो जाए. थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज हमारे ऑडियंस भी कैरी करते हैं. एक रिक्वेस्ट है कि गूगल महाराज का यूज ना किया जाए ये सब क्वेश्चन के लिए. अपने आप से थोड़ा ध्यान लगाएं. नाउ स्कोर, लास्ट क्वेश्चन है ग्रुप के लिए. आपको स्कोर टाई हो सकता है. लास्ट क्वेश्चन, अभी के चीफ मिनिस्टर कौन है? ग्रुप मिनिस्टर. चांस, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? गुजरात के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? आपको याद है ये क्वेश्चन, अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो शायद हो सकता है वो लोग टाई करें. अगर आपने सही दे दिया आंसर तो आपका ग्रुप विन हो जाएगा. अच्छा, ऑडियंस में किसी को बता रहा हूँ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? मैंने आंसर के लिए नहीं बोला था. ऐसे नहीं बोलने का. ऐसे क्यों बोल? मैंने आंसर के लिए नहीं बोला था, खाली हाथ ऊपर करना था. आराम से, आराम. अभी खत्म हो गया. सस्पेंशनल गेम कौन सा है? इज द राइट आंसर. सो टाई पे हो गया है मसला. 6-6 आपका क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं. लास्ट टीम ए को लास्ट मौका मिलेगा. अगर उन्होंने ये क्वेश्चन का सही जवाब दिया तो विनर हो जाएंगे. अभी स्कोर 6-6 पे है. होते हैं जो हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है. कौन से महीने में और उस साल के अंदर टोटल दिन कितने होते हैं? हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, उसके अंदर कितने दिन होते हैं? वो साल के अंदर कितने दिन होते हैं? जल्दी, टाइम जा रहा है. 366 लास्ट आंसर था. विनर है टीम ए. छुट्टा हो गया. ताली दी गई ना ग्रुप ला. चलो कुछ जोशी ना है टीम में. विनर टीम कमोन चलो. तो नेवरदलेस ट्राइड हार्ड, अच्छा कोशिश किया, बट सबको प्राइज मिलेगा. बहुत ही अच्छी कोशिश थी. छोटा सा डीजे सॉन्ग हो जाए विनर टीम के लिए जो डांस परफॉर्म करेंगे. हमारी यहाँ पे 30 टीम की पहली विनर टीम. हेलो बेटा, सिंधी जय के बेज मिललन. स्टार्टिंग में एक बेज दिना हुआ कलर वाइज, वो बेज लकी ड्रॉ थी रहा. जय के बु बेज नंबर मिलन, जेको नंबर चाहे होंगे ब कलर है ना साथ ब्लू है ना येलो. ब्लू कलर में जेको नंबर इंदो सामू जेवट नंबर जे वो असा स्टेज ते जे उनके एक सरप्राइज गिफ्ट दिनो इंदो. सो असा जो पहली ऑडियंस विनर असा जो रेडी है ना साथ असा जा टोकन. नाउ मेरे पास ब्लू कलर है. सो ब्लू कलर वाले जो टोकन वाले जो बंदे हैं वो प्रोबेबली विनर हो सकते हैं जो ब्लू कलर जिनके पास है. नाउ ब्लू कलर एंड द विनर इज जो डिजिट है 40-8=32 जिसके पास भी ब्लू कलर है वो स्टेज पे आ जाए अवार्ड के लिए. ब्लू कलर 32, ब्लू कलर 32. छोटी सी हमारी गिफ्ट इनको हैंडओवर करने के लिए ताली वाले पर विनोद भाई मुल्ला के लिए. क्या नाम है? मेरा नाम आशीष लाल. आशीष लाल के लिए तालियां हो जाए जो हमारे विनर रहे फर्स्ट ऑडियंस विनर.
येलो कलर वाले दिल थाम के बैठी है, शायद नंबर आ सकता है। येलो कलर, येलो कलर वाले दिखती नहीं है। एंड आवर नंबर इज 25, 25 नंबर, येलो 25, येलो 25, येलो 25 का विनर हमारे साथ है। देखिए ब्लू, वन बाय वन, पहले ब्लू, येलो, फिर वापस ब्लू। सो ब्लू नंबर मेरे साथ है। सो बहुत ही इजी मैथ्स की कैलकुलेशन दूंगा। 20 - 9 = 11, जिसका भी 11 नंबर है ब्लू कलर में वो विनर है हमारे। 11 नंबर ब्लू। हमारे फर्स्ट राउंड के लिए होप आपको पसंद आया होगा, अगर तालियां हो जाए जोरदार। नाउ भाई ठक्कर, ये दोनों ग्रुप डांस करेंगे राधे कृष्ण के सॉन्ग पे, जिनका 9 साल का दोनों का एज है। बहुत ही अच्छा ड्रेसिंग, एक बार तालियां हो जाए इनके लिए। वर्षा के ठक्कर, तालियां हो जाए साथ साथ में तालियां। जिसकी दीवाने ब्रिज की है बाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है, जो है अलबेला मद नैनो बाला, जिसकी दीवाने ब्रिज की है बाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है, कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, मन घट पे मेरी उतरे है भैया, तंग मुझे सुपर परफॉर्मेंस, ताड़ी दी नहीं तो जोर था कराला जी। कब से बेटा आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो ये सब सॉन्ग पे? एक दिन।
एक दिन से एक दिन में इतना अच्छा परफॉर्मेंस, सोचो अगर 15 दिन कर दिया होता तो। अभी वैसे भी आपने स्टेज को हिला दिया है, बाकी क्या होता। तालियां हो जाए एक बार फिर से एक ग्रुप डांस के लिए। बहुत ही अच्छा सॉन्ग, अच्छी डांस, अच्छा कोऑर्डिनेशन। मैत्री ठक्कर प्लीज कम ऑन स्टेज। मैत्री ठक्कर, माय नेम इज मैत्री के ठक्कर, आई एम स्टडी इन सेकंड, माय स्कूल नेम इज सेंट मैरी ऑगरेज। मैं आज गुरु पर कविता बोलने वाली हूँ। जानवर और इंसान में जो भेद बता है वही सच्चा गुरु कहलाता है। धीरज का जो पाठ पढ़ा है वही सच्चा गुरु कहलाता है। जीवन पथ पर जो चलना सीखा वही सच्चा गुरु कहलाता है। संकट में जो हंसना सीखा वही सच्चा गुरु कहलाता है। जिसे देख कर आदर्श का सिर झुका वही सच्चा गुरु कहलाता है। कांटों पर जो चलना सीखा वही सच्चा गुरु कहलाता है। जैसे हमारे छह सच्चे संत नैना सबके गुरु थे। थैंक यू सो मच। ताड़ी जी घूमती ने एक दफो ताड़ियों 8 साल जी छोकरी जय पंजा ताके राया पेश किया सुपर ताड़ी दी ने एक दफो कंजूसी ने ताड़न में रे आयन अजी ता ताड़ियों ने जी हौसला जवाई ना कंदा तो सुबह जो केर कंदो एक दफो बे ताड़ियों थी ने जोर सुपर हिन ट्रेन जी आवाज का अधिक ताड़ी नी गुंजुचन खपे एक दफो ताड़ी दिसन हो जन तो दड़ में नस हो जन इस तो स्टेज पे बोल रहे सुपर बारन जी हौसला जवाई कंदा तो सुबह जो बारन जो हौसला वदनो ताणी जी भजन बुढ़ना सी जो अगर असा परफॉर्म कंदी जिनकी उम्र सिर्फ 8 साल है। एक सुठो भजन अस एक्सपेक्ट क्यों जो जीवत जो आवाज है मिठो अड़ो ही आवाज अस बुध मिलो अने डॉक्टर परी जो एक दफे ताड़ी थी वन परी ला मुझो नालो परी केसानी है। आऊं थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ांदी। आऊं तमाके आज शिव बाबा जो भजन सुनाएंगी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे जड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा ले। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल करवन वो बीच जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे। वो सर्वशक्तियों
है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है थैंक यू सर से कह लूँ रा